नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्काईटेक न्यूज़ के अंदर। दोस्तों, आप अगर जीरो द काइट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, वहाँ पे अपना जो अकाउंट है वहाँ पे अगर आपका डीएक्टिवेट हो गया है, या आप अगर एफ एंड ओ जो सेगमेंट है उसे इनेबल करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी लेने वाले। छोटी सी वीडियो है, लेकिन जो बिल्कुल बिगनर्स है दोस्तों, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। सिंपली आपको काइट के अंदर लॉग इन कर लेना है। जैसे लॉग इन करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे के साइड में आपको यहाँ पे अकाउंट वाला सेक्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करते आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसोल वाला एक सेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। कंसोल के अंदर आपको यहाँ पे सिंपली पोर्टफोलियो पे क्लिक कर देना है। सिंपली दोस्तों, हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी लेने वाले, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। जैसे कंसोल के अंदर आ जाते हैं, आपको यहाँ पे थ्री डॉट्स दिख रहे राइट साइड में, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने ये माय अकाउंट वाला सेक्शन आ जाएगा। हम यहाँ पे माय अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी पूरी डिटेल जानकारी यहाँ पे आ जाएगी, जो भी है। यहाँ पे ये वाला जो एरो दिख रहा है आपको सिंपली इसे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है सेगमेंट वाला सेक्शन, यहाँ पे देख सकते हैं आप सेगमेंट्स। यहाँ पे अगर हम सेगमेंट्स के अंदर जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी जो जो ये अकाउंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डोरमेनेंट हो चुका है, यानी टेम्पररी ये जो अकाउंट है सस्पेंड है, तो इसे हमें एक्टिवेट करना है। और साथ में ही हम यहाँ पे एनएससी एफएनओ भी एक्टिवेट करने वाले, बीएससी एफएनओ भी एक्टिवेट करने वाले हैं। और जो भी चाहे आप यहाँ पे अगर कमोडिटी वगैरह जो भी चालू करना चाहे यहाँ से कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों, नीचे कंटिन्यू वाला ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। यहाँ से हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम जो भी है यहाँ से अगर एक्टिवेट हेयर पे क्लिक कर देते हैं, सॉरी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू विथ काइट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ से क्लिक कर देंगे। और हमारा जो यहाँ पे अभी री के वाई सी होगा, तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे नीचे के साइड में अगर हम आते तो यहाँ पे आपको सब डिटेल्स दिखाई देगी। आपकी जो भी डिटेल्स है ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्रोसीड विथ सेम डिटेल्स के अंदर हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। हम यहाँ से क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अभी ऑप्शन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, MCX, NSE FNO और NSE इक्विटी और BSE इक्विटी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होता है। यहाँ पे हमें इसे सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप चाहते हैं उसे चेक कर दीजिए। यहाँ से हम कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ पर आपको इनकम प्रूफ देना होगा। सिंपली हम यहाँ से ड्रॉप डाउन कर लेंगे, सिलेक्ट, यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास लेटेस्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, लेटेस्ट ITR एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो होती है, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, फॉर्म नंबर 16 या सर्टिफिकेट ऑफ नेटवर्क, डीमैट होल्डिंग। अगर आपके पास कोई स्टॉक इस डीमैट अकाउंट के अंदर होल्डिंग में है तो उसका स्टेटमेंट भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट यहाँ से अपलोड करने वाले हैं। चूज अ फाइल, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 6 मंथ विथ एवरेज बैलेंस ऑफ मोर देन 10,000 रुपीज, ये आपको जरूरी है। यहाँ पे चूज अ फाइल करते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने मीडिया पिकर आ जाएगा, आप वहाँ से अपनी फाइल जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम स्टेटमेंट हमारा सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको फाइल पासवर्ड, क्योंकि आजकल के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं, तो आपको अपना पासवर्ड यहाँ से फिल कर देना है। मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। जैसे ही आप पासवर्ड डालते हैं, यहाँ पे सबमिट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इनकम प्रूफ जो है अपलोड हो चुका है। यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाला सेक्शन दिख रहा है, वहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको डू यू जो डिक्लेरेशन देना है FTCA के, तो यहाँ पे डू यू हैव एनी अदर कंट्री ऑफ टैक्स रजिस्ट्रेशन, ये नो कर देना है। जो आपका इनकम स्लैब है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका इनकम स्लैब है। यहाँ पे वेल्थ जो भी है आपको सिलेक्ट कर लेना है। पॉलिटिकली एक्सपोज है कि नहीं वो बता देना है। नेटवर्क वगैरह आपको देना है तो दे सकते हैं। ऑक्यूपेशन जो है यहाँ पे अभी जो है आप दे सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे प्रोफेशनल मैं कर देता हूँ, मैरिट कर देता हूँ। यहाँ पे दोनों चेक कर लेना है और यहाँ से कंटिन्यू कर देना है।
अब जैसे कंटिन्यू करते हैं, अब देख सकते सॉरी यहाँ पे आपको वेबकैम आईपीवी का ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ से आपको सिंपली फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो यहाँ से हम ट्राई अगेन कर लेते हैं। तो सिंपली दोस्तों जैसे आप अपना जो वो वाला जो कोड आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो एक ब्लैंक पेपर पे लिख के अगर अपनी फेस साइड से उसे हाथ में पकड़ के फ़ोटो कैप्चर कर लेते और सबमिट कर लेते तो आपके सामने कुछ ए वाला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि वी हैव रिसीव योर री के वाई सी रिक्वेस्ट, वेरीफाई, कैन टेक 20 to 48 hours वर्किंग आवर्स, 2 दिन के अंदर यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। नीचे आपको एक कॉल सेंटर का नंबर दिया है, वहाँ पे भी आप बात कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना अकाउंट जो है रीएक्टिवेट कर सकते हैं, FNO सेक्शन जो है, सेगमेंट जो है उसे इनेबल करते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।